आओ बच्चों, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। सब कुशल मंगल तो है? हाँ गुरुदेव। बैठो। मैंने आज तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है, देखो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था। कैसी इच्छा गुरुदेव? नियम के अनुसार किसी राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा ही राजा बनकर सिंहासन पर बैठता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इच्छा कुछ अलग ही थी। उन्होंने कहा था कि उनके दोनों पुत्रों को पूरा राज्य बराबर बराबर बांट दिया जाए, यही उनकी आखिरी इच्छा थी। इसका मतलब आधे राज्य का राजा मैं और आधे राज्य का राजा तृप्तानंद। हाँ सही कहा। देखो तुम दोनों भाई सिर्फ शिकार करके और मछलियाँ पकड़कर सारा समय बिताते हो, किंतु अब वो समय आ गया है कि तुम दोनों अपना राज्य संभालने के लिए प्रजा के सामने प्रस्तुत हो। क्या राज्य भार को संभालना होगा? आज से ठीक 2 महीने बाद एक बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है, उसी दिन ये शुभ कार्य संपन्न करूंगा मैं। जाओ, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। आखिर पिताजी की कैसी इच्छा थी? बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे राज्य का पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, आधा राज्य तृप्तानंद को दे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं किसी भी हालत में तृप्तानंद को राज्य नहीं दूंगा। बड़े भैया, क्या बात है बोलो। मैं कह रहा था कि कुछ दिन बाद हम दोनों राजा बन जाएंगे, उसके बाद शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। बड़े भैया, राज्य का कार्य करते करते ही पूरा दिन बीत जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि चलिए ना, आज आप अपनी मन पसंद मछली पकड़िएगा और मैं भी अपने पसंद का शिकार करके आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई क्या हम एक काम कर सकते हैं? कौन सा काम बड़े भैया? तुम तो हमेशा शिकार करते रहते हो, लेकिन आज तुम मछलियाँ पकड़ने जाओगे और मैं जाऊँगा तुम्हारी तरह शिकार करने। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है, पर बड़े भैया मेरे पास तो मछली पकड़ने की बंशी है ही नहीं। तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं अपनी सीप बंशी तुम्हें दे दूंगा। आप मुझे देंगे? ठीक है, फिर दीजिए, जल्दी दीजिए। उफ, इतनी कड़ी धूप में कब से बैठा हूँ पर मछली हाथ ही नहीं आ रही, लेकिन बड़े भैया को तो मछलियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैं समझ गया, मछली पकड़ना बहुत ही धैर्य का काम है। पता नहीं भैया मछलियाँ कैसे पकड़ लेते हैं। लगता है मछली फंस गई, फंस गई, फंस गई। लगता है बहुत बड़ी मछली है, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ी। इसे अच्छे से खींच कर ऊपर लाना पड़ेगा। ये क्या? ये बदमाश मछली तो बंशी तोड़कर भाग गई। अब मैं क्या करूं? मछली तो मिली ही नहीं, उल्टा बंशी मछली के मुंह में चली गई। बड़े भैया सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? मैंने ऐसी चाल चली है कि एक चाल से ही तृप्तानंद को मात दे दी, ना वो कभी बंशी ढूंढ पाएगा और ना ही मेरे सामने आकर खड़ा होगा, और मुझे अपने राज्य में से उसे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। छी 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 छी, ये तुमने क्या किया? मेरी इतनी पुरानी और सुंदर बंशी को तुमने गुम कर दिया। अब मैं क्या करूं भैया? वो मछली बंशी काट कर भाग गई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये सब कोई बहाना नहीं सुनूंगा।
वो बंशी मुझे बहुत प्यारी थी। जाओ कहीं से भी वो बंशी मुझे ढूंढ कर दो। बड़े भैया, आपके लिए मैं दूसरी बहुत सारी बंशी बनवा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए भैया। नहीं, मैं दूसरी कोई भी बंशी नहीं लूंगा, मुझे वही बंशी चाहिए। लेकिन अब वो कहाँ मिलेगी बड़े भैया, समझने की कोशिश करो। नाव लेके समुद्र में चले जाओ, वहाँ जाल फेंक कर मछलियाँ पकड़ना और उनके मुँह खोल कर देखना कि उसमें मेरी बंशी है कि नहीं। पर ये संभव नहीं है भैया। अगर संभव हुआ तो मेरे सामने आके खड़े होना, वरना मेरे सामने कभी मत आना। जाओ, चले जाओ यहाँ से। जो एक मामूली सा बंशी नहीं संभाल सकता, वो राज्य क्या संभालेगा। लापरवाह, जाओ यहाँ से। आज ढूंढते ढूंढते मुझे एक महीना हो गया है। कितनी सारी मछलियों के मैंने मुंह खोलकर अच्छे से देख लिया, लेकिन किसी के मुंह में वो बंशी दिखी ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अरे अरे, ये कौन है? तुम इस मछलियों के जाल में इस तरह कैसे फंस गई? और तुम कौन हो? मैं, ये जो समुद्र दिख रहा है, मैं इस समुद्र के राजा के इकलौती पुत्री हूँ। तुम समुद्र के राजा की पुत्री हो, लेकिन तुम ये जाल में कैसे फंस गई? मैं समुद्र में तैर रही थी कि अचानक मछुआरों के जाल में जाकर फंस गई, और उसी समय एक बड़ी मछली आकर उस जाल को खींचते खींचते मुझे समुद्र के बीच में ले गई और मैं यहाँ आ गई। उसके बाद मैंने तो सोचा कि अब नहीं बचूंगी, पर तुमने आकर बचा लिया मुझे। तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ कहाँ है? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। वहाँ उस समुद्र के किनारे मेरे पिताजी का राजमहल है। पुत्री कहाँ खो गई? लगता है अब वो हमें जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं, ऐसे मत रो रानी, हमारे सारे सैनिक उसे ढूंढने के लिए गए हैं। देखना रानी, वो उसे जरूर ढूंढ लाएंगे। क्या ढूंढ लाएंगे? देखते देखते दो दिन बीत गए, कहाँ ढूंढ पाए आप मेरी बेटी को? महाराज, राजकुमारी लौट आई है। क्या कहा? कहाँ है वो? राजकुमारी आपके कमरे की तरफ ही आ रही है महाराज, और उन्हें एक राजकुमार लेकर आए हैं। क्या कहा? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? माँ, पिताजी, समुद्र में तैरते तैरते कहाँ चली गई थी बेटी, बताओ मुझे। लंबी कहानी है माँ, बाद में बताऊंगी। अगर ये राजकुमार नहीं आते तो मैं पानी में डूबकर मर ही जाती। नहीं बेटी, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। आपका परिचय? मैं नृपण देश का राजकुमार हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने मेरी पुत्री की जान बचाई है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। अब चलिए अतिथि गृह में चलकर विश्राम कर लीजिए और बैठकर कुछ बातें भी कर लेंगे। अच्छा, अब समझा। मछली के मुंह से बंशी ढूंढने के लिए आप अपना राज्य छोड़कर एक महीने से समुद्र में भटक रहे थे। ठीक है, मैं आपको बंशी ढूंढ कर दे दूंगा। आप ढूंढ लेंगे उसे? देखिए राजकुमार, मैं समुद्र का राजा हूँ, इसलिए समुद्र की सारी मछलियाँ मेरी प्रजा है। मैं आज ही अपने सारे मंत्री और सेनापति को भेज देता हूँ, वो लोग सारी मछलियों से बात करके पूछने की कोशिश करेंगे कि किसके मुंह में बंशी फंसी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, बंशी आपको जरूर मिल जाएगी।
बताओ किसके मुंह में बंची फंसी है? अगर सच सच नहीं बताया तो महाराज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरे मुंह में तो कुछ दिनों से एक बंसी मुंह में फंस कर ऐसे खच खच कर रही है ना कि क्या बताऊं। मंत्री जी जरा बाहर तो निकाल दीजिए। अरे बाप रे बाप। सेनापति मछली के मुंह से बंसी निकालो। अरे बाप रे बाप बच गया। ये लीजिए मंत्री जी बंसी। समुद्र के राजा ने मुझे वादा तो दे दिया है लेकिन क्या वो उस बंसी को ढूंढ पाएंगे? चिंता मत करो बंसी मिल गई है। देखो तो राजकुमार क्या ये वही बंसी है? हाँ हाँ यही है, यही तो है वो बंसी। मेरे खोए हुए 7 हीरों में से एक हीरा। उफ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अब आप मुझे अपने राज्य लौटने की अनुमति दीजिए महाराज। मुझे जाना होगा। वो तो दूंगा ही, पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अकेले जाने नहीं देंगे मतलब? मेरी पुत्री भी आपके साथ जाएगी। हाँ राजकुमार, मेरी रानी को और मुझे बहुत पसंद आए हैं आप, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपके हाथों में अपनी पुत्री का हाथ देंगे। राजकुमार आप खुश तो है ना? खुश रहो बेटी, कुछ दिन बाद हम भी तुमसे मिलने आएंगे। हमेशा खुश रहो, राजा बनने के बाद प्रजा का कल्याण करो। और हाँ सेनापति, इनका नाम है ज्वार रत्न और ये है भाटा रत्न। कभी अगर कोई शत्रु आकर आपको जान से मारना चाहे तो इस ज्वार रत्न को उसकी तरफ फेंक कर मारना, फिर समुद्र का पानी आकर उसे बहा ले जाएगा और उस पानी के वेग को रोकने के लिए ये भाटा रत्न फेंक देना। जाओ जाओ राजकुमार, विजयी भव। सभी सुनो, आज से मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए मेरी बात सबको माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो जान जाएगी। लेकिन आपका छोटा भाई वापस लौट आया तो? आया भी तो क्या, मैं उसे अपना राज्य नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं पिताजी का बड़ा पुत्र हूँ, इसलिए ये गद्दी मेरी है। परंतु गुरुदेव। कौन गुरुदेव, कैसा गुरु? मैं किसी गुरु को नहीं जानता हूँ। महाराज महाराज, आपके भाई तृप्तानंद लौट आए हैं और साथ में दुल्हन भी लेकर आए हैं। ये क्या? ये लीजिए भैया आपकी बंसी। बंसी? किसे चाहिए, किसे चाहिए ये मामूली बंसी? दूर हो जाओ मेरे सामने से। ये क्या, आप ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं तो आपका भाई हूँ बड़े भैया, मैं कोई शत्रु नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू ही मेरा शत्रु है। शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुझे आज मैं काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। आ अरे कोई है, बचाओ बचाओ। भाई 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 मुझे बचा लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ जीवन में कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बचा लो भाई, बचा लो भाई। भाई राज्य के लालच में मैं पागल हो गया था, तुम मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो मुझे, मुझे बचा लो। We'll be right back.
चलिए भैया, आज से हम दोनों पिताजी के आशीर्वाद से, आज से हम दोनों भाई मिलकर इस राज्य को चलाएंगे। ये अच्छा रहेगा ना? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पुत्रों। चलो चलो, आज इस अवसर पर हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। जय महाराज तृप्तानंद की जय, जय महाराज तृप्तानंद की जय।